यूपी में योगी राज, जेल में गुंडा राज, चाकू की नोक पर कानून, डीएम ने किया खुलासा। यूपी में योगी राज है और जेलों में गुंडा राज, जेल में मोबाइल से अपराध की फसल लहलहा रही है, चाकू की नोक पर कानून है। जी हाँ, ये हम नहीं यूपी के मऊ जिले के डीएम बता रहे हैं। बैरकों का सफलता से निरीक्षण किया गया और काफ़ी मोबाइल चार्जर और हॉट प्लेट्स जिसमें खाना बना रहे हैं लोग, चाकू जो छोटे छोटे चमड़े छोटे टुकड़े टुकड़े बना लेते हैं लोग, इसके अलावा खाद्य सामग्री आलू पर्याप्त मात्रा में, प्याज लहसुन सरसों का तेल सब मिला है। और सबके लिए हिदायत दी गई है कि जेल मैनुअल और एक्ट अंदर जो व्यवस्था है उसका अच्छा से अनुपालन करें और इस पर हम लोग निरंतर निगरानी भी रखेंगे और प्रभावी कार्रवाई इसी तरह से कैसे अंदर चला जाता है। यहाँ पे जिनकी भी ड्यूटी थी निर्धारित किया गया, जो यहाँ गेट पे चेकिंग करते हैं उससे सामग्री भेजते हैं संदेह वही जिम्मेदार है। जो बरामदगी है उसके बारे में शासन सूचित करेंगे, सारी सूचनाएं जाएंगी। क्या कार्रवाई होगी जो जिनके द्वारा ये सामान पहुंचाया जा रहा है? सुना आपने, जिला कारागार मऊ उगा उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के जिला कारागार के औचक निरीक्षण के बाद डीएम ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने क्या कहा। कारागार में प्रतिबंधित सामान मिले जिसे देखकर डीएम एसपी के भी होश उड़ गए। सवाल है कि प्रतिबंधित सामान जेल के अंदर कैसे पहुंचा, इसका जिम्मेदार कौन है। जिला कारागार की बैरकों में मोबाइल फोन, सिम कार्ड, खाना बनाने वाला हीटर, चाकू और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुए। जेल में हुए निरीक्षण पर पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि जेल अधीक्षक से जेल में बंद शातिर अपराधियों के बारे में पूरी डिटेल को खंगाला जा रहा है। निरीक्षण लगभग 3.5 घंटे चला है, इसमें हम और डीएम साहब और हमारे साथ पूरी फोर्स थी। एक एक बैरक को, एक एक कैदी का जो बिस्तर है उसको चेक किया गया है, कोई भी प्रतिबंधित सामान ना हो। काफ़ी संख्या में कुछ चीज़ें मिली हैं जिनका हम लोगों के द्वारा नाम नोट किया गया है कि किस किस के पास से क्या क्या चीज़ें मिली हैं। प्रिजन एक्ट और प्रिजनर एक्ट के तहत वो अपराध है कि कोई भी प्रतिबंधित सामान अगर जेल के अंदर जाता है तो जो जेल के अंदर पहुंचाता है और जो रखता है अपने पास, दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। सारे जितने बैरक्स हैं उनको चेक किया गया, हॉस्पिटल को चेक किया गया है, तनाई बैरक की समीक्षा की गई है कि तनाई बैरक में किस किस को रखा गया है। जो जेल अधीक्षक हैं उनको डिटेल में ब्रीफ किया गया है कि जो भी शातिर अपराधी हैं जिनके ऊपर 8-10 मुकदमे हैं, जिनका लंबा अपराधिक इतिहास है, या जो जेल का माहौल ख़राब करने का प्रयास करते हैं उनकी डिटेल रिपोर्ट दें। अगर जेल के अंदर थोड़ा सा भी किसी के द्वारा माहौल ख़राब करने का प्रयास किया जाएगा और जेल अधीक्षक सूचित करेंगे तो तत्काल उनके खिलाफ। आपको बता दें कि यूपी की जेलों का बुरा हाल है, जेल से अपराधी नेटवर्क चला रहे हैं। हाल में सुल्तानपुर, रायबरेली और उन्नाव जिले की जेल के वीडियो वायरल हुए थे जिसमें अपराधी शराब और असलहों की महफिल शबाब पर थी। देखना यह होगा कि योगी सरकार जेल में गुंडा राज पर कितना लगाम लगा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।